गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पास रेगुलर क्लासें आ रही हैं और उनका आप मजे से अध्ययन कर रहे होंगे, आप लोग जितना पढ़ोगे उतना ही आपको लाभ होगा। ठीक है, आप लोग जितना पढ़ोगे उतना ही आपको लाभ होगा। यहाँ पर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी इसे रेगुलर देखें, रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करें और हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, अब आपका जो टेस्ट का प्रक्रिया है वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और वैसे आपके पास आज टेस्ट भी होगा, इसलिए क्लास 7:30 की जगह 8:30 के आसपास आएगी आपके पास। ठीक है, तो 8:30 बजे से आप क्लास ले सकते हो रेगुलर। ठीक है, और इसके साथ साथ हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उपरोपण के बारे में, जो ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ा था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब तक मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे कलिकाएं। क्या पढ़ेंगे? कलिकाएं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बड़ी। क्या बोला जाता है? बड़ी बोला जाता है। ठीक है, कलिका होती है वो होती है बड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? बड़ कहलाती है। और जो बड़ होती है इसी बड़ के द्वारा बड़ी का निर्माण हुआ है। ठीक है, और जो बड़ है उसके द्वारा बड़ी, और बड़ी किसे कहते हैं? कलिकाएं को कहते हैं। यहाँ पर कलिकाएं का मतलब होता है कलिका। क्या होता है यहाँ पर? कलिका। अब बात यहाँ पे आती है कि कलिका होती क्या है। जैसे आपने गानों में सुना होगा, नई नई कली खिली है, ऐसे कुछ गाने आते हैं, मुझे इतना गाना तो आता नहीं है, लेकिन वहाँ पर कली का मतलब फूल की जो कोमल कली होती है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर कली का जो बड़ है वो अलग है। आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास या आपके घर पे शहतूत का पादप होगा, जिसे आप साधारण भाषा में तुंतिया बोलते हो, है ना। शहतूत का पादप होता है, तो जो शहतूत का पादप होता है, इस शहतूत के पादप के अंदर आपने गौर से देखा होगा, वैसे होती सभी पौधों में होती है, लेकिन इसमें स्पेशल साफ साफ और अच्छे से आप देख सकते हो, हर जगह देख सकते हो इसको। ठीक है, तो शहतूत की जो टहनी होती है, ऐसे मान लो ये टहनी है, इस टहनी के ऊपर आप देखना ध्यान से, ऐसे पत्ती निकली होती है यहाँ से, ऐसे पत्ती निकली होती है, और इस पत्ती के यहाँ पर जहां से पत्ती निकलती है वहां से ध्यान से देखना, यहाँ पर एक गांठ नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गांठ नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अरे गांठ नुमा संरचना पाई जाती है। और जो गांठ नुमा संरचना होती है ये क्या कहलाती है? आपकी कलिका कहलाती है। और आपने ध्यान से देखा हो तो जो आपकी नई शाखा निकलती है, नई शाखा बनती है, तो वो भी कहाँ से बनती है? इस कलिका से ही बनती है। किससे बनती है? इस कलिका से ही बनती है, इस बड़ से बनती है। इससे बनती है इस कलिका या इससे इस बड़ से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? कलिका है। और इस कलिका का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? ठीक है, तो जो हमने साइन प्रयोग की थी किसमें? उपरोपण। आपका जो ग्राफ्टिंग वाला है उपरोपण, लो आपका उपरोपण हो गया। अब जो उपरोपण है उसमें हम क्या क्या ले रहे थे? एक तो मूलवंत ले रहे थे। क्या ले रहे थे? मूलवंत। क्या ले रहे थे? मूलवंत ले रहे थे। और दूसरा आपका ले रहे थे हैं आपका साइन ले रहे थे, या आपका सांकूर डाली भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा
साइन या सांकू डाली, या इसके अलावा आप कह सकते हो परो, क्या कह सकते हो परो, परो मतलब पादप का ऊपर का पार्ट, जो पत्तियों वाला पार्ट होता है उसे परो कहते हैं, और मूल ग्रंथ होता है रूट स्टॉक, क्या कहते हैं इसको, रूट स्टॉक, क्या कहते हैं रूट स्टॉक कहा जाता है। तो मूल ग्रंथ तो उस साइन का प्रयोग कर रहे थे, सांग डाली का प्रयोग कर रहे थे या पढ़ो का प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ पर साइन के स्थान पर, इस साइन के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, आपकी कलिका, क्या प्रयोग करेंगे, कलिका का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है आपके। यहाँ पर उपरोपण था, क्या था, उपरोपण था, उपरोपण में हम क्या क्या यूज कर रहे थे, मूल ग्रंथ था और जो आपका रूट स्ट्रोक बोलते हो इसको, तो रूट स्ट्रोक था आपका, और ये क्या था, साइन था, क्या था, साइन, SCIN, ठीक है, साइन। तो यहाँ पर साइन और मूल ग्रंथ काम में आ रहा था, जबकि आपकी कलिका में क्या काम में आएगा, कलिकाएं की जो क्रिया होगी उसमें कलिका प्लस रूट स्ट्रोक, अब यहाँ पर यदि हम कलिका और रूट स्टॉक की बात करें तो कलिका और रूट स्टॉक के बारे में भी जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। कलिका कैसी होनी चाहिए, रूट स्टॉक आपका कैसा होना चाहिए, मूल ग्रंथ जो है वो आपका कैसा होना चाहिए। जैसे हमने साइन में बात की थी, साइन और मूल ग्रंथ में देखो, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कलिका, और यहाँ पर लिख सकते हैं आपका मूलवन, इसको बड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ बोलते हैं, और इसको रूट स्टॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक। अरे ध्यान से देखना और इधर देखो सबके सब, ठीक है। तो यहाँ पर कलिका किसे बोलेंगे, बड़ को बोलेंगे, और यहाँ पर मूल ग्रंथ किसको बोलेंगे, रूट स्टॉक को बोलेंगे। ये दोनों चीजें सेम है, बड़ और कलिका, मूल ग्रंथ और रूट स्टॉक। अब देखो यहाँ पर कलिका कैसी होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मूल ग्रंथ वही, इसमें साइन वाला बेटर लग जाए, साइन कैसी होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मूल ग्रंथ कैसा होना चाहिए, निम्न गुणवत्ता वाले पादप का लेते हैं, निम्न गुणवत्ता वाले पादप का चुनाव करते हैं रूट स्टॉक के लिए, ठीक है। देखो इसमें उच्च गुणवत्ता युक्त है और इसमें निम्न गुणवत्ता युक्त है, ठीक है। ये वातावरणीय कारकों को कम सहनशील होती है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपके घर पे जो भी पशु रखते होंगे आप लोग, तो जो गाय या आपकी भैंस होती है वो यदि ज़्यादा दूध देती है तो वो जल्दी बीमार हो जाती है। या मान लो आपकी जो वातावरणीय कारक है, जैसे मान लो ग्रीष्म काल जैसे आता है तो उसमें श्वास की संबंधी बीमारी हो जाती है, या श्वास जल्दी ज़्यादा भरता है उसमें और दूध कम हो जाता है अचानक से, ठीक है, तो ग्रीष्म काल में। और क्या होता है जैसे ही सर्दियां आती है वापस दूध बढ़ जाता है उसका, तो ज़्यादा दूध देने वाली गायों में इस प्रकार की समस्या ज़्यादा होती है, जबकि कम दूध वाली देसी गाय होती है, तो आप घर वालों से भी सुनते होंगे कि देसी गाय जो होती है वो कम बीमार होती है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ की वातावरण के प्रति क्या होगी, सुदृढ़ होगी, यानी कि सहनशील होगी, यहाँ का वातावरण वो सूटेबल कर सकती है, इसलिए वो यहाँ पर आसानी से रह सकती है, ठीक है। और एक चीज आपने देखी होगी, जो देसी गाय होती है उसका उत्पादन क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर मूल ग्रंथ तो होता है वो देसी किस्मों का लेते हैं, और देसी किस्मों का तो निम्न गुणवत्ता वाला होगा, ठीक है, जबकि साइन उच्च गुणवत्ता वाली होती है, तो उच्च गुणवत्ता वाली तो वातावरणीय कारकों को कम सहनशील, कार्बो के पटरी कम सहनशील, कम सहनशील, ठीक है। और ये क्या है, ज्यादा सहनशील, ठीक है।
ये उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए, ये निम्न गुणवत्ता की होनी चाहिए, ये कैसी होनी चाहिए, वातावरणीय कारकों के प्रति कम सहनशील, ये क्या होती है ज्यादा सहनशील, ये तो क्या हो गया इसमें इस कलिका की विशेषता हो गई, इसमें मूल ग्रंथ की विशेषता हो गई। ठीक है, देखो यहाँ पर यदि हम बात करें इसके अंदर, तो कलिका की जो आयु है, कलिका की आयु हो तो कलिका कैसी होनी चाहिए आपको ये भी पता होना चाहिए, कलिका की क्या विशेषता होनी चाहिए ये भी आपको पता होनी चाहिए कि कलिका कौन सी लेनी है आपको। कलिका वैसे तो कम से कम 6 से 12 माह पुरानी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो कलिका का चुनाव या कलिका का चयन कब करेंगे, जब कलिका फूटान की अवस्था में आ जाए यानी कि परिपक्व हो जाए, तो परिपक्व कलिका का चयन करते हैं, परिपक्व कलिका का चयन करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, 1 वर्ष पुराना। ठीक है, या फिर हम इसके बड़े पौधे के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, आपका मूल ग्रंथ लगा सकते हैं, जो मूल ग्रंथ है बड़ा पादप का भी प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कलिका का प्रत्यारोपण कर सकते हैं। ठीक है, इसकी तो कोई ऐसी नहीं है कि 1 वर्ष पुराना ही हो ये। ठीक है, वैसे यदि हमें छोटे पौधों के ऊपर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतने छोटे पादप के ऊपर ही करना पड़ता है, तो ये जरूरी नहीं है कि 1 वर्ष पुराना ही हो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखते हैं इसके अंदर कि कलिकाएं किस किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन कौन सी इसकी विधियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी इसकी विधियां हैं इसके बारे में अब जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो अब आप लोगों को पता चल गया कि कलिकाएं क्या है, कलिकाएं क्या है, अब आप लोग आसानी से इसकी विधियों के बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो और इसका आंसर भी दे सकते हो। ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं, यहां से लिख लेता हूं, टी कलिकाएं, टी कलिकाएं या सिल्ड कलिकाएं, जो टी कलिकाएं होती है, टी कलिकाएं होती है इसे क्या बोला जाता है, सिल्ड कलिकाएं बोला जाता है या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टी कलिकाएं होती है, उसकी क्या विशेषता होती है और कैसे टी कलिकाएं किया जाता है। तो सबसे पहले हम कलिका का चयन करते हैं। देखो कलिका का चयन करने के लिए हमें सबसे पहले पादप के ऊपर जाना पड़ेगा और कलिका को देखना पड़ेगा कि ये अंकुरित होने वाली है या नहीं है। तो कलिका का कैसे पता चलेगा कि हमें अंकुरण होने वाली है, अंकुरित होने वाली है या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो कलिका पूर्ण रूप से फूली हुई दिखाई देगी आपको, कैसे दिखाई देगी, पूर्ण रूप से फूली हुई, यदि कच्ची कलिका है तो पूर्ण रूप से फूली हुई नहीं दिखाई देगी आपको, हल्की सी कलिका दिखाई देगी, उसके अंदर जो बड़ है, बड़ का जो मुख है वो हल्का सा दिखाई देगा, छोटा सा बिंदु रूप होता है ये, एक आंख होती है आपकी, जैसे पूरे शरीर के अंदर आंख कितनी सी होती है, छोटी सी होती है, तो आंख के समान एक छोटी सी ऐसी तना होगा, इस तने के ऊपर ऐसी छोटी सी गांठ नुमा संरचना होती है और उसके आगे की तरफ ऐसे तीखा मुंह होता है, थोड़ा सा हल्का सा गोलाई में होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बाहर की तरफ निकलने की कोशिश की जा रही है इसकी। ठीक है, तो आज ही आप देखना इसको कि आपके जो शहतूत है उसका पादप है, उसकी पत्ती है, पत्ती के जो पास हिस्सा है इसके पास में, यहाँ पर इसके अंदर कलिका पाई जाती है, अलग अलग पौधों में अलग अलग जगह पाई जाती है, लेकिन अधिकतर पादपों में क्या होती है, ये पत्ती के जस्ट ऊपर की तरफ ही पाई जाती है। तो यहाँ पर टी कलिकाएं बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलिका का तना पड़ेंगे, देखो ये तना है कोई, इस तने के ऊपर क्या है, यहाँ पर कलिका है यहाँ। ठीक है, इस कलिका को हम क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार हटा देंगे, गोलाई में भी हटा सकते हो या आप इस प्रकार से भी हटा सकते हो, इसको इस प्रकार से भी हटा सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी मर्जी हो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये कलिका है आपकी,
और इस कलिका को इस प्रकार से हटा लेते हैं, इस प्रकार से हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखो इधर आ जाओ, आपका जो मूल ग्रंथ की यदि हम बात करें तो मूल ग्रंथ के अंदर यदि हम इस प्रकार से कोई तना है, इस तने के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा आड़ा चीरा लगाना पड़ेगा। आड़ा मतलब सेतीज चीरा, कैसा चीरा, सेतीज। और सेतीज चीरा किस में लगाना है ये भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है यहाँ पर, कि जो सेतीज चीरा है वो किस में लगाना है। जैसे मान लो ये पादप का तना है, इसके ऊपर छाल पाई जाती है, फ्लोएम वाला पार्ट होता है, उसके अंदर जो छाल है उसके अंदर क्या करना है आपको, चीरा लगाना है 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा या 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाना है। सबसे पहले इस प्रकार का चीरा लगा दो, इसके अंदर लगा दिया चीरा, पूरा तना नहीं काटना है यहाँ पर, आपको जो छाल वाला पार्ट है उसी को काटना है ऊपर से। ठीक है, इसके बाद में एक ऊर्ध्वाधर चीरा लगाते हैं, वही 3 से 4 सेंटीमीटर या 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगा देते हैं, ये लोग चीरा लगा दिया। ठीक है, ये तो पादप के ऊपर निर्भर करता है या आपकी कलिका ली है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना लंबा चीरा लगाना है। यदि तना अच्छा है, विकसित है, तो वहां पर आप थोड़ा सा लंबा और अच्छा चीरा लगा सकते हो, और कलिका आप क्या कर रहे हो, बड़ी ले रहे हो, तो उसके अंदर आपको चीरा लगाना पड़ेगा। अब क्या करना है, इसके अंदर जो इधर वाली छाल है और इधर वाली छाल है इन दोनों को ऐसे खींच लेना है, तोड़ना नहीं है छाल को, छाल टूटनी नहीं चाहिए। क्या करना है, उसको खींच के एक ढक्कन, जैसे हम कोई भी परत होती है तो उसको हटाते हैं, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर ये डस्टर है अपना, क्या है, डस्टर, और इसके ऊपर ये कपड़ा है। ठीक है, अब इस कपड़े को मुझे क्या करना है, यहाँ से काटना है, क्या करना है, यहाँ से काटना है। ठीक है, अब जैसे ये हो गई व्यवस्था, ऐसे हो गई, अब समझना कि ये पूरा तना है, क्या है, तना, और यहां से मैंने क्या लगा दिया, कट लग रहा है, दिख रहा है ना सर, यहां पर देखो ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये कट लगी है तो इस कट को क्या करूंगा, देखो इधर इस प्रकार से नीचे की तरफ किसका लूंगा, तोड़ूंगा नहीं मैं इसको, ये क्या है आपकी छाल है, और इस छाल को क्या करूंगा, नीचे की तरफ ऐसे किसका लूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको और इसको क्या कर लिया, इधर और इसको इधर किसका लिया, अब बीच में जगह हुई कि नहीं हुई, इस जगह में हम क्या करेंगे, जो आपकी कलिका है, क्या है, कलिका है, और इस कलिका को हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से सेट कर देंगे। ठीक है, ये लो ये मेरी कोई कलिका है, माना एग्जाम्पल, मैथ में तो आप बहुत मानते हो लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा मान लिया लो, यहाँ पर मैंने इस कलिका को लगाया और जो हमने फ्लेप हटाया था, ये छल्ला सॉरी ये छाल जो हटाई थी मैं, हमने वो इस प्रकार से वापस से कर देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, और ऊपर की तरफ करने के बाद में जो ग्राफ्टिंग टेप है, या आप मान सकते हो कोई भी आपकी टेप है, उसका प्रयोग करेंगे हम, और उसको अच्छे से बांध देंगे। लेकिन आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो कलिका का मुख है, जैसे मान लो इस प्रकार का मुख होगा, ये आगे दिख रहा है आपका, इस प्रकार का मुख होगा, देख लो, ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, जो आगे के नोक है पेन की, इस प्रकार की कलिका हो, तो इसको यहां से क्या करना है, बाहर की तरफ रखना है, और चारों तरफ क्या करना है, इसके अंदर ऐसे टेप लगा देनी है, क्या लगा देनी है, ऐसे टेप लगा देनी है। तो ये चीज समझ में आ रही है, आ रही नहीं आ रही, ठीक है, नहीं आ रही तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस प्रकार से, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको और इसको इधर हटा दिया, हटाने के बाद में इसके अंदर कलिका लगाएंगे, और मान लो ये कलिका है और इस कलिका की चारों ओर ऐसे टेप से अच्छे से क्या कर देंगे, इसको बांध देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कलिका है, दिख रही है ये कलिका, और इस कलिका के चारों तरफ से हमने टेप को अच्छे से बांध दिया है। कुछ ही समय के बाद में क्या होता है, इसके अंदर ये कलिका फुटान कर लेगी, और फुटान करके एक नई शाखा का निर्माण कर लेगी, और नई शाखा का निर्माण हो गया तो इस पादप को ऊपर से क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, इसके बाद में ये वाली शाखा भोजन बनाएगी और जड़ों को भोजन देगी, और जड़ें वृद्धि करेगी, जड़ें क्या करती है, जल और खनिज पोषण तत्वों का क्या करेगी, आपको परिवहन करके जो पादप की पत्तियां हैं वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगी, और इस प्रकार से एक नया पौधा बन जाता है। तो ये क्या है, टी कलिकाएं है या सील्ड कलिकाएं कहा जाता है इसको।
अब यहाँ पर ये चीज तो आपको समझ में आ गई, ये हमने क्या कलिका प्रयोग की थी इससे, और इस प्रकार से हमने इसको मूलन में फिट कर दिया। अब यदि मैं बात करूं कलिकाएं की, इसी कलिकाएं की, इसी चीज को मैं, ये वाला है, ये तना है, और इस तने में मैं ये सब लगा सकता हूं, उल्टा टी कलिकाएं हो गया, उल्टा है भी है। यदि मैंने इस प्रकार से और इस प्रकार से कट लगा दिया दोनों तरफ, तो आई दिख रही है, तो ये क्या हो गया, आई कलिकाएं हो गया। यदि मान लो मैंने इस प्रकार से यहाँ पर ये बनाया है, और इसमें एक कट ऐसे लगाया, एक कट ऐसे लगाया, और एक कट ऐसे लगा दिया, और इन दोनों को क्या किया, ऐसे हटाया यहाँ से, जैसे ये लगा हुआ है तो इसको ऐसे हटाया, और ऐसे करने के लिए जगह हो जाएगी, और यहाँ पर कलिका फिट करेंगे, और कलिका फिट करने के बाद में क्या कर देंगे, इसको ग्राफ्टिंग टेप से बांध देंगे। तो ये आई कलिकाएं हो गया, एच कलिकाएं हो गया, ठीक है, उल्टा टी कलिकाएं हो गया। तो इस प्रकार से कलिकाएं जो आपकी टी कलिकाएं है, उसका अनेक प्रकार से हम रूपांतरण कर सकते हैं। टी कलिकाएं समझ में आती है, ये देखो जो टी कलिकाएं है वो स्पेशल तौर पर गुलाब में की जाती है। किसमें की जाती है, गुलाब, किसमें की जाती है, गुलाब, ठीक है। स्पेशल तौर पर आपको ध्यान रखना है कि गुलाब में ये क्रिया प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, तुरंत आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि सर हमें टी कलिकाएं में ये प्रॉब्लम